सर। गुड आफ्टरनून। तो ठीक है, पहले बता आवाज आ रही है? यस सर। चलो आज हमें क्या करना है? सर आपने तो डाउट्स के लिए बोला था। डाउट्स ले सारे बेटे, सब ले आए बेटे, सब डाउट्स ले आए। सर एक डाउट है अब बोलो बोलो बेटा, थोड़ी बहुत है ले आओ, पूछो पूछो। सर, ये जब बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश कर लेती है टी हाँ लिम्फोसाइट्स की मदद से, तो वेरी गुड। सर फिर स्पर्म जब जाता है फीमेल बॉडी में तब वो उसको क्यों नहीं मार देती? नहीं बेटा, तभी हो सकता है ये काम जब ना कोई चीज ब्लड के कांटेक्ट में आए, समझे ना? सर वहाँ अगर ब्लड नहीं होता। नहीं बेटे, पूरे वजाइना में तो कवरिंग है ना म्यूकोसा की, वहां ब्लड नहीं होता ना। ऐसे तो बहुत चीजें हमारी बॉडी में, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज नहीं बनती। अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, तभी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, क्योंकि जो बेटा लिम्फोसाइट्स हैं, WBCs हैं, ये कहाँ मौजूद हैं? ये तो सारे के सारे ब्लड में मौजूद है ना, यस सर, यस सर। ठीक है? तो ब्लड के कांटेक्ट में आना जरूरी है ना किसी भी एंटीजन को। ओके सर। मैच शुरू हो गया? क्या सर? मैच है ना आज? यस सर। आज किस किसका है? 3:30 था ना आज? यस सर। इंग्लैंड इंग्लैंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अच्छा ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका। एक शाम को भी है 7:30 बजे। सर ये कोरोना रेडिएटर लेयर होता है ना, वो करता क्या? कोरोना रेडिएटर बेटा, 3 लेयर्स होती हैं ओवा की ना। यस सबसे सर। पहले तो जो अपनी उसकी ओवा, क्योंकि एक सेल है तो उसकी जो अपनी लेयर होगी है ना, विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी बेटा वो, है ना। फिर उसके बाद है ना, उसके बाद आता है जोना पेलुसिडा, और उसके बाद आता है कोरोना रेडिएटा। ये तीनों के तीनों एज ए बैरियर एक्ट करते हैं किसी भी स्पर्म के लिए, ठीक, ऐसे है। तो स्पर्म को इन तीनों को डिसॉल्व करना पड़ता है तभी स्पर्म अंदर पहुंच पाता है ओवा में, ठीक है। फिर ईस्ट्रोजन का एक फंक्शन होता है एंडोमेट्रियम को रिपेयर करना, वेरी और गुड। क्या क्या और क्या क्या फंक्शन होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के हाँ सर, इसके अलावा और कुछ? बस हो तो क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में बहुत चीज आ गई ना बेटा, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, यस ठीक सर। है। फिर वो फेमिनिन कैरेक्टर्स जितने भी है, वॉइस है ना, ये सब जितने भी हैं, जहाँ जहाँ फैट का डिपॉजिट होना है वहाँ वहाँ पे थाइस पे डिपॉजिट होता है ना फीमेल्स में, तो और हार्मोन। ईस्ट्रोजन का ये कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से एलएच सर्ज होता है। हाँ बेटा, जब ईस्ट्रोजन अपनी मैक्सिमम पहुंचता है तो एलएच सर जाया जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर प्लेसेंटा भी ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, उसे क्या जरूरत है उस टाइम? नहीं बेटे, एक्चुअली नॉर्म देख, ईस्ट्रोजन मैंने आपको बताया ना अभी कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप ही नहीं कराता, मेंटेन भी करता है अगर 9 महीने तक, क्योंकि अब ग्राफीन फॉलिकल से तो ईस्ट्रोजन आ नहीं रहा प्रेगनेंसी यस सर। में, क्योंकि फॉलिकल मैच्योर होता है तब ईस्ट्रोजन आता है। तो 9 महीने तक बेटा अगर फीमेल में ईस्ट्रोजन नहीं आया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे उसके, तो मेल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे सारे, मेंटेन करना पड़ता है ना बेटा। तभी तो कई बार आपने देखा मीनोपॉज के बाद किसी फीमेल में, किसी किसी फीमेल में मस्कुलिन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। सर ये किसी भी चैप्टर से डाउट पूछ सकते हैं या हाँ बेटे वो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इकोलॉजी मत पूछियो। सर, मतलब जो अभी तक हमने जूलॉजी में हाँ पढ़ा हाँ सर, पूछ ले बेटा पूछ ले, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? एक्टोपिक होता, एक्टो का मतलब होता है बेटा बाहर। तो अगर प्रेगनेंसी मतलब जो इम्प्लांटेशन है बेटा जाइगोट का, अगर वो यूट्रस से बाहर हो गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना। यूट्रस से बाहर मतलब कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है, वेजाइना में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, ओवरीज में हो सकता है, एब्डोमेन के अंदर हो सकता तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है है। नहीं मतलब? फिर जब यूट्रस में तो ना एक्सपेंड होने की कैपेसिटी है, यस पर सर। बाकी जगहों पे तो एक्सपेंड होने की कैपेसिटी है नहीं। तो यस जैसे ही सर। एम्ब्रियो बढ़ना शुरू होगा साइज में तो वो जगह फूलनी शुरू हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, पेन होगा। हम करके रहे थे, हम बेटा वो कर रहे थे ना बायोटेक, या अभी शुरू नहीं किया था? सर अभी शुरू नहीं किया तो पिछली बार हम बस उसकी लाइफ साइकिल ही करके रह गए थे ना हनी बी की, फिर था। यस सर। आज शुरू हो जाएगा ना बायोटेक डाउट्स के बाद।
हमारे दो ही चैप्टर बचे हैं, है ना, और हमारे पास 2 महीने हैं पूरे। पर ये ना सुन, तुम लोगों के बेटा वो कब से प्री बोर्ड तो शुरू होने वाले होंगे ना? सर शुरू हो गए हैं। हो गए, वही तो, फिर बोर्ड मिड नवंबर से शुरू हो जाएंगे ना सर? बोर्ड 3 दिसंबर से, नहीं वैसे तो नवंबर में शुरू हो रहे हैं, पर शुरू में वो वाले हैं ना जो बहुत डिले कर दिए। हाँ बहुत डिले कर दिए। हाँ पहले इन्होंने कहा था अक्टूबर में एंड, पहले इन्होंने कहा था फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम कर देंगे, क्योंकि अब वो जो सेकंड बोर्ड है ना वो और डिले हो जाएगा फिर इस चक्कर में। 2 महीने बाद कैसे करेंगे, अभी तो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा उसका हर जगह पे, और उसमें सिलेबस ज्यादा है। मार्च में ही लेना होगा। हाँ उसमें सिलेबस ज्यादा है। हाँ बेटा देखो कोई और डाउट पूछना है? मैम सर आपने पिल्स कराने टाइम में वो जो सहेली पिल्स लिखवाया था ना सर, उसमें लिखा था मैंने कि वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, क्या मतलब है इसका? देखो कोई भी चीज़ ना तब काम करेगी जब हार्मोन जो होगा है ना वो काम करेगा, ठीक है, जैसे जैसे ईस्ट्रोजन है ना। अब ईस्ट्रोजन क्या करवा रहा है बेटा, ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है? मैच्योरिंग फॉलिकल से। आपने ईस्ट्रोजन को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो ईस्ट्रोजन के ब्लॉक करते ही क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन कहां से रिलीज हो रहा था? मैच्योरिंग फॉलिकल से, तो फॉलिकल का मैच्योरेशन रोक दिया आपने। ऐसे टेस्ट में ये दोनों चैप्टर है ना? है? टेस्ट में सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ यही है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन यही है। ओके सर पूछ लो बेटा, पूछ लो एक बार देख लो, तुमको लगातार क्लास रखनी है, ब्रेक करना है बेटा, मतलब आज नहीं आगे के सैटरडेज में पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो ना कल तो पर मंडे तुम्हारा टेस्ट हो और आज मैं क्लास लेके बैठ जाऊँ, और वो भी ऐसी चीज़ों की जो इस बोर्ड में आने नहीं है। तो आपका जो भी हो बेटा मुझे पहले ही बता देना कब आपको क्लास ऑफ करनी है, अच्छा, ताकि मैं उसी हिसाब से कर दूँ, ठीक है? मेरे ख्याल से सुन, मेरे ख्याल से बेटा 20 नवंबर तक तो ले ही सकते हैं क्लास, है ना? यस सर, लास्ट के 10, लास्ट के 1 सैटरडे दे। हाँ बेटा क्या फंक्शन पूछो बेटा, क्या बोल रहे थे? रिलैक्सिंग का फंक्शन। रिलैक्सिंग क्या करता है बेटा, जो हिप जॉइंट होता है ना उसे ढीला कर देता है, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विस फीमेल में ब्रॉड हो जाता है, उससे चाइल्ड बर्थ में हेल्प हो जाती है ना। देख लो बेटा और लोग भी देख लो, अगर कुछ भी पूछना है पूछ लो, फिर आगे चलते हैं, फिर बायोटेक शुरू करते हैं बेटा आज। सर क्वेश्चंस पूछने थे कुछ।
हाँ तो बोलो ना, अरे तभी तो बोल रहा हूँ मैं बार बार, पूछो ना, मैं आपको भेज दूंगा, आप बोलो सर। बोल दे ऐसी बोल दे, चलो डायग्राम वाले क्वेश्चन। क्या है क्या, बिना डायग्राम वाले तो पूछ ही ले। हाँ ओके सर, देखता हूँ। किसके एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी के हैं? सर ये टेस्ट के हैं, टेस्ट होता है। अच्छा बोलो बेटो, बेटा टेस्ट तो मैंने डिस्कस कर लिया था, उसके बाद तो अब टेस्ट हुआ ही नहीं है कोई। सर वो दूसरा टेस्ट दिया था मैंने, उसमें थे सर। अरे तुम में से गाड़ी में कौन चल रहा है जी, बीप बीप। हाँ जी पूछो बेटा, निकाल लो टेस्ट। सर आपको मैंने सारे सेंड कर दिए फोन व्हाट्सएप पे। सर रुक जाओ अभी मैं खोल लेता हूँ बेटा, फिर ग्रुप पे सेंड किए नो सर, पर्सनली बेटे, ग्रुप पे करना ताकि सबको पता चले। चल पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रुप पे कर दे बेटा, सब देख लेंगे ना। पहला क्वेश्चन है कि ये तो बेटा जेनेटिक्स का है, ये मेरा थोड़ी है सर, जो आपके हैं सर आप वो बता दो, वो एक बेटा, साथ जेनेटिक्स हो, टेस्ट। ये तो जेनेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा, यस सर, सर उसके नीचे वाले होंगे। ये भी जेनेटिक्स है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, ये तो सब दीपक सर के उसके हैं बेटा, ये तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा सारे, ये भी ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक कोड के हैं बेटा, ये हमारा लग रहा है कुछ। सर फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट वाले दो क्वेश्चन हैं जूलॉजी के। सर रुक जा बेटा, कॉलिप्टाइल एंड कोलियोराइजर ये भी नहीं है बेटा, ये वाला है जूलॉजी, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फिगर बी शोज डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, है ना ठीक है, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। चल ठीक है, आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन क्यू इज एम्बेडेड इनटू एक्स। हाँ बेटा क्यू क्या है, सर एक बार ये बता दो कि कौन से डे पे, मतलब फर्टिलाइज्ड एग कहाँ पे रहता है, कैसे देख ऐसा ट्रेवल है, करता है। फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है ठीक है, चौथे दिन पे यूट्रस में पहुंच जाता है, 7वें दिन पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, क्लियर है? सर जो 3 दिन बचे चौथे से और सातवें दिन के बीच में, उनमें क्या होता है। उसमें वो जम रहा होता है ना, उसे पकड़ रहा होता है, एंडोमेट्रियम को पकड़ रहा होता है वो। ओके सर, और सर जब वो पकड़ा नहीं होता, मतलब जब वो वहाँ पे अटैच नहीं होता, तब वो वहाँ पे रुकता कैसे है, कुछ नहीं, अबॉर्ट कहाँ क्यों रुक नहीं रहा है, होता। नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा ना, रुक कर रहा है वो, इधर उधर पूरे में घूमता है यूट्रस के अंदर, और फिर वो 7वें दिन पे जाके उसे पकड़ता है एंडोमेट्रियम को, घूमता रहता है यूट्रस में। ओके सर, अब कर लेगा जेड क्या है, जेड बता क्या है, जेड तो है ओवरी, ठीक यस सर ओवरी। क्यू आर एस, जेड तो ओवरी है ना, वाई जो है वो बेटा इनफंडेबल फेलोपियन, वो हाँ इनफंडिबुलम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डब्ल्यू जो है बेटा वो फिमरी है, डब्ल्यू एम्प्यूला लग रहा है। एम्पुला लग रहा है, हाँ ठीक है एम्पुला लग रहा है, यस सही कह रहे, तो सही कह रहा है, ऊपर से उठाया हुआ है ना, और एक्स जो है बेटा वो हो गया तेरा यूट्रस, यूट्रस। तो आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन क्यू इज एम्बेडेड इनटू एक्स, ये तो सही है तेरा,
सर इसमें बी आंसर करेक्ट दे रखा है। बेटे करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा है। सर वो इनकरेक्ट जैसा पूछा है लेकिन सर इसमें आंसर दे रखा है, वो बी देख दे पहला रखा है। वाला तो सही है ना तेरा, पहला तो इनकरेक्ट नहीं है ना। यस सर। चल देख सेकंड पे आ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ पी विद आर टेक्स प्लेस इन वाई। अब पी क्या है बेटा, पी तो स्पर्म है, वाई क्या है बेटा, दूसरे गलत हो जाएगा क्यों, फर्टिलाइजेशन ऑफ पी विद आर, आर क्या फर्टिलाइजेशन बेटा, आर वो ओम होगा। ओवा हो गया, टेक्स प्लेस इन वाई, ये गलत हो गया ना तेरा, क्योंकि यस डब्ल्यू सर। के अंदर होना चाहिए ना फर्टिलाइजेशन, तो यस सर। ये इसलिए तेरा आंसर बन गया, इनकरेक्ट पूछा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चल आगे चल बेटा। लास्ट वाला देख लो बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन्स आर एक्सक्रीटेड यूरिन आफ्टर मीनोपॉज। हाँ बेटा FSH और LH, बी एंड सी। सर इसका रीजन क्या है? LHC हो गया तेरा और बी एंड सी। बी का है बेटा FSH। देख मीनोपॉज के बाद क्या होगा, FSH किस पे काम करता है बता, फॉलिकल पे, नो फॉलिकल पे मैच्योर कराता है। मीनोपॉज के बाद क्या फॉलिकल बचेंगे, टारगेट सर। ऑर्गन खत्म हो गया। अब मैच्योर फॉलिकल पे कौन एक्ट करेगा, LH। एलएच मैच्योर फॉलिकल ही नहीं तो LH के लिए भी कोई टारगेट नहीं बचेगा, जब दोनों के लिए टारगेट नहीं बचेगा तो बेटा वो रिलीज हो जाएगा, तो सर ऐसा यूरिन में आ होता है जाएगा। मीनोपॉज के बाद थोड़े दिनों तक उसका लेवल हाई होता है फिर बाद में डिक्रीज हो जाता है। ओके सर। हाँ बेटा देख लो बेटा, हाँ बेटा कुछ और कहना चाह रहे हो, नो सर। और कुछ नो सर। तो अब शुरू करें बायोटेक, यस सर। या किसी को अभी भी कुछ पूछना है। चल शुरू कर दे अब बायोटेक। यस सर। और कोई कुछ बोल नहीं रहा। कुछ और बोलो, चलो फिर शुरू कर दो। अब मैं शुरू कर रहा हूं, किसी का कोई कुछ नहीं पूछ रहा, इसका मतलब आप किसी को कोई डाउट नहीं है, जो तुम्हारा पहला बोर्ड होगा उसके लिए। मेरे दो ही चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे पहले वाले बोर्ड में,
चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। सो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं ना अगर वो एक्स्ट्रा निकल गया। हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हो। मतलब आज के लिए मैं कह रहा हूँ कि अब आज के लिए तुम्हारे पास नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं। यस सर। चलो फिर शुरू करो। बायोटेक में बेटा 2 चैप्टर्स है, बायोटेक में बेटा 2 चैप्टर्स है, क्या क्या 2 चैप्टर्स हैं? पहला चैप्टर है बेटा चैप्टर नंबर 11, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहले कौन खेल रहा है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका? हाँ जी बताओ, मत बताओ, मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बताई, तुमने एक भी बात नहीं बताई मुझे। सर अफ्रीका खेल रही है। चलो आगे, अगला लिखो बेटा, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा मुझे पहले ही बताओ बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग लाइफ, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। टेक्नोलॉजी आपको पता ही, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, है ना? इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, हम क्या कह सकते हैं बेटा? यूज ऑफ, हाँ बेटा, बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गई? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बेटा, बोलो। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हाँ बेटा, ठीक है ना? चलो अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। प्रीवियसली ऑल्सो वी वर यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, पहले भी यूज कर रहे थे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, हाँ बेटा, लैक्टोबैसिलस को किस लिए यूज कर रहे थे? फॉर मेकिंग कर्ड। ठीक है, ईस्ट को बेसर क्यों यूज कर रहे थे? मेकिंग ब्रेड, एल्कोहल। मेकिंग ब्रेड एल्कोहल, ठीक है, लैक्टोबैसिलस को कर्ड के लिए, ईस्ट को बेटा ब्रेड और एल्कोहल के लिए।
हाँ बेटा, ये यूज हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? लैक्टोबैसिलस यस सर। तो कब से यूज हो रहा है बेटा, कर्ड बनाने के लिए, है ना? ईस्ट बेटा कब से यूज हो रहा है ब्रेड और अल्कोहल बनाने के लिए? क्या बेटा ये बायोटेक नहीं थी? इसमें भी तो हम बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑप्टेन करने के लिए। तो अब ऐसा क्या हो गया बेटा जो हर जगह बायोटेक बायोटेक हो गई? हाँ जी, अब ऐसा क्या हो गया बेटा कि अब हर जगह बायोटेक ही बायोटेक हो गई है? कौन बता रहा है मुझे? किसी के स्कूल में हुए बेटा ये चैप्टर? अभी नहीं कराया होगा ना, क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म वाले ही करा रहे होंगे वो लोग। स्कूल में तो सिर्फ अभी पहला चैप्टर हुआ है, प्री स्कूल में कौन सा हुआ है? प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? और फिर वो क्या होगा बेटा, जो क्या बोर्ड सर? है, जो बोर्ड है? सर वो सर ने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन भेज दिए। सर अब तो वैक्सीन वगैरह भी बनाई जाती है सर। ठीक है, और बता बेटा, सही कह रहा है? ठीक है, सही कह रहे हो आप लोग, बहुत सही कह रहे हो। सिंगल सेल प्रोटीन सुन को सुन लो बेटा, है ना? अब क्या है, पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से सिर्फ वही प्रोडक्ट ले सकते थे जो हमें नेचुरली दे सकते थे। अभी मैं समझाता हूं इस बात को बेटा, है ना? प्रीवियसली वी वर एबल टू ऑब्टेन ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच, है ना? प्रीवियसली वी वर एबल टू ऑब्टेन ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच द ऑर्गेनिजम्स वर एबल टू गिव अस नेचुरली, वर एबल टू गिव अस नेचुरली। ठीक है, जैसे ईस्ट ये कह रहा था कि भाई मैं तो आपको एल्कोहल और ब्रेड ही दे सकता हूं, है ना? है ना? फॉर एग्जाम्पल ईस्ट कुड गिव अस ओनली एल्कोहल एंड ब्रेड। ठीक है, ईस्ट ये कहता था कि भैया मैं तो एल्कोहल और ब्रेड ही दे सकता हूं, ये चाहिए तो ले लो मुझसे। है कुड गिव अस ओनली एल्कोहल एंड ब्रेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम उस ऑर्गेनिज्म को डिक्टेट करते हैं कि नहीं तू ये दे हमें बना के, है ना? नाउ विद मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ना, वी डिक्टेट द ऑर्गेनिज्म, हम उसको बोलते हैं भैया ये दे हमें बना के।
द ऑर्गेनिज्म, वी डिक्टेट द ऑर्गेनिज्म. To give us the product of our choice. इससे हमने और क्या क्या ऑब्टेन कर लिया? अब हमने वैक्सीन क्या दी? अब हम ना एग्जाम्पल, अब हम ईस्ट को डिक्टेट करते हैं कि हमें वैक्सीन दे बनाकर. सुनो, तुमको इस समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? सबको पुरानी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या फर्क है, ये समझ में आ रहा है आप सबको? यस सर. है ना? और हम अभी कर कैसे कर पा रहे हैं? अब हम ये कैसे कर पा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के ना जीन्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसकी जीन्स के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज अचीव्ड, दिस कैन बी अचीव्ड बाय मैनिपुलेटिंग the genes of the organism to give us the product of our choice. तो बताओ, हमने अपनी प्रोडक्ट ऑफ अवर चॉइस हमने बेटा कैसे ऑप्टेन किया? कौन बता रहा है मुझे? हमने बेटा उनकी जीन्स के साथ क्या कर दिया? हमने बेटा उनकी जीन्स को मैनिपुलेट कर दिया. लिख ले बेटे, हाँ लिख लो. दिस कैन बी अचीव्ड बाय मैनिपुलेटिंग This can be achieved by manipulating the genes of these organisms, ठीक है, to give us the product of our choice. ये देखो बेटा, this can be achieved by manipulating. हम उनके genes में छेड़छाड़ कर देते हैं, the genes of the organism to give us the product of our choice. है ना? These organisms whose genes have been manipulated to give us the product of
अवर चॉइस इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, जी एम ओ, समझ में आ गया बेटा जीएमओ क्या होता है? यस सर। जिन ऑर्गेनिजम्स की जीन्स को हमने मॉडिफाई कर दिया है टू गिव अस द प्रोडक्ट ऑफ अवर चॉइस, उसको बेटा हमने क्या नाम दे दिया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? जीएमओ बेटा सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड, है ना। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैरी a foreign gene are called रबड़ कहाँ है? रबड़ कहाँ है? ये रबड़, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये लास्ट टाइम भी हो गया था यार, अभी कैसे ठीक हुआ था? अरे क्या कर दिया मैंने, अभी पिछली बार कैसे ठीक हुआ था? सर आपने खुद ही कर लिया था। अरे मैं तो ऐसे ही उसपे स्ट्राइक कर कर करके हो गया था पिछली बार। वाह, हो गया है ना। इनको बेटा दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैरी अ फॉरेन जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। मुझे बताओ आपको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बायोटेक का कुछ कुछ क्लियर होना शुरू हुआ, नहीं हुआ? सुनो, आपने बकरी के अंदर स्पाइडर की जीन डाल दी, मकड़ी की, वो जीन जो मकड़ी का जाला बनाती है, तो जब भी बकरी दूध देगी तो उसमें स्पाइडर का जाला आ जाएगा। अब ये बकरी क्या कहलाएगी? जेनेटिकली, यस वेरी गुड, बोलो बोलो बेटा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि हमने बकरी के अंदर स्पाइडर की जीन डाल दी। सर जो हम सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन कर लेते हैं वो बायोटेक से पॉसिबल हुआ है। हाँ, हो सकता है। अच्छा ये बताओ गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस गोल्डन क्यों है बेटा? हमने किस चीज की उसके अंदर जीन डाली है कि वो गोल्डन हो गया? डेफोडिल प्लांट की जीन डाल दी हमने। तो चावल के अंदर हमने बेटा किस वाले प्लांट की जीन डाल दी? डेफोडिल, है ना, वो गोल्डन हो गया, तो वो भी बेटा ट्रांसजेनिक हो गया। इसकी जीन उसमें डाल दो, उसकी जीन उसमें डाल दो, ये सब बेटा ट्रांसजेनिक हो गए। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, लिख लो ये जो सामने लिखा है।
लिख लिया सर। लिख लिया। चलो आगे चलें। चलो आगे चलते हैं बेटा। तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी अब आपको समझ में आ गई है ना। दो मेन स्टेप्स प्रोसेस है ना विच हैव हेल्प्ड इन रैपिड ग्रोथ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर नंबर वन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग लिख लो थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन मैनिपुलेट द जीन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स to suit our purpose। और दूसरा होता है ठीक है sterile culture medium। इसको हम कंटेमिनेशन फ्री कल्चर मीडियम कहते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। इन दिस प्रोसेस इन दिस टेक्निक या प्रोसेस ओनली द डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रोन on culture medium। ठीक है देख लो बेटा ये दोनों दो मेन स्टेप्स होते हैं बेटा जिससे इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है बायोटेक्नोलॉजी में। पहला होता है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वी कैन मैनिपुलेट द जीन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सूट अवर पर्पस। दूसरा होता है बेटा स्टेराइल कल्चर मीडियम और या कंटेमिनेशन फ्री कल्चर मीडियम भी कहते हैं इसको। इन दिस प्रोसेस ओनली द डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रोन ऑन कल्चर मीडियम। क्लियर है बेटा। यस सर। चलो अब कौन मुझे स्कोर बता रहा है? किसी ने भी टीवी सामने नहीं चला रखा? सब अच्छे बच्चे हैं। यस
क्लास के समय टीवी कौन चलाएगा? वेरी गुड। अच्छा शाम वाला मैच किसका ये तो बता दो। वेस्ट इंडीज है? यस सर। और वेस्ट इंडीज का मैच देखने में मजा आता है भाई सब? इंग्लैंड। अरे वाह, ये बढ़िया मैच होगा। वेस्ट इंडीज की बैटिंग देखने में मजा आता है, आज भी मजा आता है, पहले भी आता था। दो बार जीत चुकी है वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप। जीके का क्वेश्चन है, बता दोनों बार कैप्टन कौन था? डैरन सैमी। यस, दोनों दूसरी बार भी वही था ना? यस सर। दोनों बार उसी ने जिताया, दो बार जीती है वेस्ट इंडीज। जबकि तुझे पता है वो खुद कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि बहुत भयंकर बैट्समैन या बहुत भयंकर बॉलर हो, लेकिन वो लीडर बड़ा अच्छा था, दोनों बार जिता के ले गया वो। डैरन सैमी। दो बार ये लोग वनडे जीते हैं, 75 और 79, वो लॉयड ने जितवाया था इनको। लॉयड एक बहुत जबरदस्त प्लेयर था, तो डैरन सैमी ने अपने आप को लॉयड के बराबर में लाके खड़ा कर दिया। दो उसने जीते, दो इसने जीते। लिख लिया सर। आगे चलूं? चल एक और बात बता, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेफिनेशन क्या दी है? डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टिक कर ले इसको, इसके सामने लिख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लेना, अकॉर्डिंग टू EFB, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख ले, EFB बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज According to EFP, biotechnology is defined as combination of natural science and organisms, cells, parts thereof, or molecular analogues. In products and services.
हाँ बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। ओके okay. नेक्स्ट लिख लो। जरा मुझे बता सकते हो तुम कौन सुना सकता है बिना पढ़े हुए? बिना पढ़े हुए कोई सुना सकता है? सुनाओ सुनाओ सुनाओ। कौन सुना रहा है मुझे? वेट कर रहा हूं मुझे मैं सर, डेफिनेशन सही से समझ नहीं आया। डेफिनेशन देख। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन डेफिनेशन ऑफ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब बायोलॉजी, नेचुरल साइंस बायोलॉजी है, एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब नेचुरल साइंस को तूने किसके साथ जोड़ दिया, जरा मुझे बता दे। ऑर्गेनिज्म के साथ ऑर्गेनिज्म के ठीक है, या अगर ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो, ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स का या ऑर्गेनिज्म के मॉलिकुलर एनालॉग्स, मतलब वो मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स के सिमिलर थे। क्लियर हुआ? मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या होता है? एनालॉग्स होते हैं कोई सिमिलर चीज, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता? जैसे एंजाइम्स हो सकते हैं। हाँ देखो बेटा देखो, क्लियर है? अभी डेफिनेशन क्लियर हो गई, समझ यस में आ सर। गई? सर जरा बेटा देयर मुझे ऑफ के बाद क्या लिखा था? पार्ट देयर ऑफ और मॉलिकुलर एनालॉग्स, कोई भी ऐसा एंजाइम, कोई प्रोटीन जो ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करता हो इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज,
अब बेटा कौन मुझे सुनाएगा बिना पढ़े हुए याद करके? वेट कर रहा हूं मैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो, अकॉर्डिंग टू ईएफबी बायोटेक इज डिफाइंड एज, बोलो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है बेटा? नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स कॉमा सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस। कर लोगे याद बेटा? यस सर। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो याद हो जाएगी, ब्लाइंडली करोगे तो नहीं होगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है। चलो आगे चलो बेटा। अच्छा सुनो, साइंटिस्टों ने क्या सोचा? साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम है ना ह्यूमन डीएनए को या किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ दें, ठीक है? तो जब बैक्टीरिया का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो वो डीएनए जो हमने जोड़ा है वो भी मल्टीप्लाई कर जाएगा। और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सुनो, मैंने जो सामने लिखा है उससे तुम क्या समझ रहे हो? हमने बेटा एक डीएनए लिया, ये एक हमने डीएनए लिया, ये एक बैक्टीरिया है, ये बेटा बैक्टीरिया का डीएनए है,
इस डीएनए को लेकर के बेटा हमने यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ऐसा करने से हमें चाहिए कि है ना, हमें उस जो हमने लंबा वाला डीएनए उसका प्रोडक्ट चाहिए, हमें बैक्टीरिया हमें प्रोडक्ट देगा बना करके। मान लो बैक्टीरिया के अंदर आपने या गोट के अंदर आपने स्पाइडर वेब बनाने वाली जीन डाल दी, या बैक्टीरिया के अंदर आपने इंसुलिन बनाने वाली जीन डाल दी, ठीक है, वो डीएनए डाल दिया जो इंसुलिन बनाता है, और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ दिया। बैक्टीरिया का डीएनए आपको पता है 20 मिनट में मल्टीप्लाई कर जाता है, तो डीएनए जो हमने जोड़ा है वो भी 20 मिनट में मल्टीप्लाई कर जाएगा और हमें इंसुलिन मिल जाएगी। समझ में आया साइंटिस्टों ने क्या सोचा? हाँ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्योंकि बैक्टीरिया तो बेटा 20 मिनट में मल्टीप्लाई कर जाता है ना। मान लो ह्यूमन आपको इंसुलिन बनानी है, तो आप क्या करोगे? इंसुलिन बनाने वाला डीएनए इंसानों से निकालो, ठीक है, और उसको लेकर के बेटा बैक्टीरिया में डाल दो। इंसान का डीएनए तो बेटा, इंसान की माइटोसिस तो 24 घंटे की चलती है, बैक्टीरिया में तो 20 मिनट में चल जाएगी, तो हमें खूब सारा इंसुलिन मिलना शुरू हो जाएगा। ये सोचा है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। है ना, ऐसा हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ बेटा? बाहर का डीएनए किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ नहीं जुड़ पाया। ए फॉरेन डीएनए वॉज नॉट एबल टू अटैच। अटैच विद डीएनए ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, लास्ट लाइन यस सर। हेलो बेटा, हाँ बेटा हो गया, अगली चलूं? Yes, sir. अभी तक आपने क्या सीखा बेटा? कौन मुझे बताएगा कि साइंटिस्ट क्या करने की कोशिश कर रहे थे? कौन बताएगा बेटा मुझे? देखो ईएफबी की डेफिनेशन किसी ने नहीं बताई। अब ये तो बताओ बेटा कि साइंटिस्ट क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ बेटा, साइंटिस्ट क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ऑर्गेनिज्म के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ने की कोशिश। हाँ, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ जोड़ रहे थे, उस ऑर्गेनिज्म के साथ जो तेजी से मल्टीप्लाई करता हो, ताकि हमें प्रोडक्ट तेजी से मिल जाए, है ना? द डीएनए विच वी आर ट्राइंग टू एड, जिस डीएनए को हम जोड़ना चाह रहे हैं, डीएनए
विच वी आर ट्राइंग टू ऐड और हुज प्रोडक्ट वी वॉन्ट इज नोन एज डिजायर्ड डीएनए. और जीन ऑफ इंटरेस्ट. हाँ बेटा, जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए उस डीएनए को बेटा क्या नाम दे रहे हैं हम? हाँ बेटा क्या नाम दे रहे हैं? और जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, सब क्लियर है? अब साइंटिस्ट क्या करे बेटा, सीधा तो जुड़ नहीं रहा. अब साइंटिस्टों ने बेटा एक और तरीका निकाला, ठीक है. नाउ साइंटिस्ट्स थॉट अबाउट अनदर मेथड ठीक है. इन्होंने कहा सीधा नहीं जुड़ेगा, इसको जोड़ने के लिए कोई वेक्टर चाहिए. दे थॉट दैट ए वेक्टर माइट हेल्प इन एडिंग. वैसे सीधा भी नहीं जुड़ रहा था उसमें, दोनों में बेटा वो खांचे ही नहीं बने हुए थे, साइट ही नहीं थी जुड़ने की. अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी बेटा वो लीड यूज करी है, वो सॉरी वो यूज किया है जो मोबाइल का चार्जर होता है? मोबाइल का जो चार्जर होता है बेटा, उसमें दो चीजें होती हैं. एक तो आगे वो होता है जो सॉकेट में लगता है ना, और एक पीछे लीड होती है जो दोनों साइड लगती है. एक साइड से आपके उसमें वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसको जो जो सॉकेट में घुसता है, उसको कोई नाम होता है, अडाप्टर. हाँ सॉरी, अडाप्टर. ठीक है, तो अडाप्टर में बेटा जो लीड होती है वो दोनों साइड से, एक साइड से किससे जुड़ती है, अडाप्टर से, और एक साइड से किससे जुड़ती है, मोबाइल से. क्या आप अडाप्टर सीधा मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हो? नहीं, उसमें बेटा वो सॉकेट से नहीं आपस में ज्वाइन होने वाले. तो ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ बेटा जाकर के डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता. ओके सर, ठीक है. उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, उसके लिए हमें एक लीड चाहिए, और उस लीड को यहां पे क्या नाम दिया गया, वेक्टर. वेक्टर, समझ गए बेटा डीएनए बायोटेक कैसे चल रही है? यस सर. थॉट अबाउट अनदर मेथड, दे थॉट दैट ए वेक्टर माइट हेल्प इन एडिंग द डिजायर्ड डीएनए. टू डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. या एनी अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इन्होंने कहा बेटा एक वेक्टर चाहिए. अच्छा बता दे बेटा वेक्टर की क्या खासियत होनी चाहिए. वेक्टर वो लीड है, तार है, उस तार को बेटा दो जगह जुड़ने के लिए खासियत चाहिए. एक तरफ वो जाके किससे जुड़ेगा, एडाप्टर से, और दूसरी तरफ वो जाके किससे जुड़ जाएगा, आपके मोबाइल फोन से. तो वेक्टर के अंदर बेटा कितनी साइट होनी चाहिए जुड़ने वाली, टू. वेरी गुड. एक साइट से वो बेटा किससे जुड़ेगा जाकर के, हमारे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से, और दूसरी साइड से बेटा हमारे वाले डीएनए से जुड़ जाएगा, जिसके जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए डिजायर्ड डीएनए से. क्लियर हो गया बेटा वेक्टर क्या होता है? यस सर.
ये जो बेटा हमने एक वेक्टर को जोड़ा है ना, दिस एडिशन ऑफ वेक्टर टू डिजायर्ड डीएनए, जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए, बैक्टीरिया के डीएनए से नहीं, डिजायर्ड डीएनए से, टू डिजायर्ड डीएनए है ना, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देख लो बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हुआ, यही बेटा बायोटेक की बैकबोन होती है, बैकबोन और बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब वेक्टर से, वेक्टर की मदद से हो जाएगा नहीं? यस। अच्छा, जो तेरा एडाप्टर है वो तेरा मान लो बैक्टीरिया का डीएनए है, क्लियर है? जो तेरे मोबाइल है वो तेरा डिजायर्ड डीएनए है, जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए। तेरा मोबाइल सीधा तेरे एडाप्टर से नहीं जुड़ पा रहा है, तो बीच में हमने एक वायर लगा दी, लीड लगा दी, उस लीड का एक एंड बेटा जुड़ जाएगा तेरे मोबाइल डीएनए से, मोबाइल से, और दूसरा एंड आपके एडाप्टर से जुड़ेगा। जब हमने उस लीड को अभी एडाप्टर से नहीं लगाया है, तेरे मोबाइल से जोड़ दिया, तो दोनों को मिला के हमने क्या नाम दिया, सामने लिखा हुआ जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपको सबको क्लियर है बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो 10 बार पूछ लो मुझसे, 20 बार पूछ लो, लेकिन आज ये बात आपको सीख के जानी है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में बेटा बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे ही चलेगी। 10 बार पूछना चाहो 10 बार पूछ लो, 50 बार पूछना चाहो 50 बार पूछ लो, लेकिन आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। वैक्सीन भी वेक्टर की हेल्प से बनता है। ऐसे ही सब आजकल सब कुछ बेटा बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर ही बेस्ड है। जिस चीज को एग्जांपल देके बता दो, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड सबसे कॉमन वेक्टर जो प्लाज्मिड होता है बेटा, उसे हम किसे कैसे प्रोसेस करते हैं वो तो आगे बताऊंगा मैं, पर ये तू समझ में गया ना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है क्या, ये तो पता चल गया। हाँ, ये वो तो अभी लंबा चौड़ा काम है कैसे जोड़ेंगे हम। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है ये पता चल गया। यस सर, एक पीछे की चीज पूछनी थी, वो स्ट्राइड कल्चर में, बोल बोल एक बार बता दे। बोल बेटा, देख देख, आप बैक्टीरिया के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रहे हो, ठीक है, और अपना डीएनए जाकर के आपने बैक्टीरिया के साथ जोड़ दिया वेक्टर की मदद से। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए कि वो बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई करे। Yes, भाई आपने इंसुलिन बनाने वाला डीएनए पेंक्रियास से निकाला, जो हमें इंसुलिन देगा बना के, इसे हम डिजायर्ड डीएनए कह रहे हैं। इसको आपने किसी वेक्टर के साथ जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है, और इसको उठा करके बेटा आपने इकोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, उसके डीएनए के साथ जोड़ दिया। अब आप अगला क्या सोचोगे, साइंटिस्ट हो आप अगला सोचोगे बेटा इकोलाई बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करे तो उसका डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। तो बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म कब मल्टीप्लाई करता है, जब उसे भोजन मिलता है। कब करता है बेटा? जब उसे फूड मिलता है। तो क्या होता है, गोल गोल बेटा कल्चर प्लेट्स होती हैं, है ना, इनके ऊपर कल्चर मीडियम होता है अगर अगर जैसा, ठीक है। मान लो बेटा ये एक कल्चर प्लेट है, ठीक है, और इसके ऊपर बेटा एक कल्चर मीडियम है अगर अगर, ठीक है, दिस इज अ कल्चर प्लेट। ये जो बेटा कल्चर होता है ना अगर अगर, ये बेटा फूड होता है बैक्टीरिया के लिए। क्या होता है बता दे? फूड होता है। हाँ, अब आपने बेटा इकोलाई जो आपके इंसुलिन बनाने वाला डीएनए जुड़ा हुआ है उसको बेटा उठा करके आपने यहां पे डाल दिया, ये बेटा इकोलाई आ गया। अब इकोलाई को बेटा इस कल्चर मीडियम के अंदर क्या मिल गया?
फूड तो ई कोलाई खुशी खुशी क्या करेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि उसे खाने के लिए क्या मिल गया, भोजन। यस सर। अब होता क्या था कि ये ना कल्चर प्लेट के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, जब हम उस ई कोलाई को बेटा उस कल्चर प्लेट के अंदर डालते हैं और उस ढक्कन को खोलते हैं, तो आपको पता है कि एनवायरमेंट के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। यस सर। जैसे ही वो बेटा कल्चर प्लेट का ढक्कन खुला, सामने सब बैक्टीरिया को जो एनवायरमेंट में उन्हें भोजन नजर आ जाता है अगर अगर, ठीक है, और वो सारे के सारे बैक्टीरिया बेटा कहां पे चिपक जाएंगे आकर के, आपकी कल्चर प्लेट पे, और आपकी कल्चर प्लेट क्या हो जाएगी, कंटेमिनेट हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका इकोलाई कहां चला गया, 2000 बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको। मान लो आपने अपने फ्रेंड को देने के लिए, या आपका कोई डॉगी है बाहर स्ट्रीट डॉग, उसको देने के लिए उसी को आप खाना दे रहे हो बेटा, उसको देने के लिए आपने खाना डाला, और वो बेचारा आया कि नहीं आया, 200 डॉग्स और पहुंच गए वहां उस खाने को खाने के लिए, तो आपका फूड तो बेकार हो गया ना, जो आप डॉग को दे रहे थे अपने पेट डॉग को, वो तो कंटेमिनेट हो गया ना। यस सर। ये समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो वेरी गुड। देखो बेटा कुछ और पूछना है, अब हम अगली बार देखेंगे बेटा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहली बार किसने बनाई थी और कैसे ये काम करती है। सर वेक्टर को डालने से वेक्टर का डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए से बाइंड कर गया। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने अभी एग्जांपल तो दिया लीड का। क्वेश्चन है तो मतलब वेक्टर का डीएनए दोनों से मैच करना चाहिए। यस बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आपने बेटा लीड ऐसी ले ली बीच का वायर जो अडैप्टर से लग रहा है पर आपके मोबाइल से नहीं लग रहा है, 3C नहीं है, तो फिर क्या फायदा उस लीड का। यस सर। क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं, हु डेवलप्ड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस क्वेश्चन से मैं अगली बार शुरू करूंगा। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बार फिर से बता दीजिए इसको। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा यही है कि आप एक जीन को उठा करके, एक डीएनए को उठा करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हो, ये जो हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर बाय। ओके बेटा।